बादशाह जी ने तैयार पर तैयार शेख जरनैल फौजा तैयार करनिया शुरू कीतिया। आंदे बादशाह कोल नौजवान वहीरा कद के आंदे ने घोड़सवारी नेजेबाजी शस्त्र विद्या पलथे का अभ्यास हो रहा। एक दिन कहिंदे शेख डट के गतके का अभ्यास कर रहे सी ते मेरे सतगुरु पातशाह वेख के मुस्कुराउण लगे। कोल दवान नंद चंद जी खलोते सी, आख्या साहिबा चेहरे ते एकदम वखरी जी खुशी किवें आई। पातशाह कहिंदे दवान जी ये मैं तां मुस्कुरा रही हाँ कि जड़ियां मेरिया खालसाई फौजा ये हुण रण तत्ते दे अंदर दुश्मनों के नाल मुकाबला करन वास्ते पूरियां तैयार बरतियार हो चुकी हैं। बस एक चीज की कमी है। वह किस चीज की कमी है? वह जी नगारा। तो कहिंदे एक दिन सतगुरु तख्त ते बैठे संगत आ रही, दरबार लगिया, एक सिख आया, बड़ा शानदार नगारा मर के पातशाह के चरणों से भेटा विच दिता। तो पातशाह बड़े परेशान होए, आंदे महाराज ने क्या सिखो लाओ नगारे ते चोटा, क्योंकि नगारा ज्योंदियां जागदियां कौमां दी निशानी हुंदा। ते कहिंदे सिखा ने जदों काड़ कड़कड़ कड़कड़ कर दियां मारियां नगारे ते चोटा, अपनी रियासत विच बैठे राजे भयभीत हो गए। इन्हां नूं लगिया शायद साडे वल कोई चढ़ाई करके आ रहे आ, पर राजे भीम चंद दा दीवान जाणदा सी इह नगारा गऊ गरीब की राखी करके बजिया। यह तिया भैं साढ़िया शेफ ने यह नगारा गुरु नानक साहब की दसवीं जोत गुरु गोबिंद सिंह के दरबार के अंदर बजिया। खालसा जी अज बड़े ने कहने वाले जड़े इतिहास से किंतु करते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज को जंग करन दे की शौक सी। मनिया मेरे पातशाह ने 14 जंग लड़े है, फतेह भी 14 जंगा विच प्राप्त हुई, पर जे इतिहास में पढ़िए मेरे कलगीधर जी ने जंग करन दा कोई भी शौक नहीं सी। फिर हुण सवाल भी खड़ा हुंदा, फिर महाराज ने 14 जंग क्यों लड़े, पुत क्यों मरवाए? सियाने कहिंदे जदों लड़ाई गल पै जावे फिर की करना पऊ, उहदा जवाब तो देना ही पैंदा ना, क्योंकि असी ओ अणियाले तीर हाँ जो कदे ना उके, जालम दी हिक नूं पाड़ के लंघ जाइए सुके। सच्ची गल है जिमिया साडे ते टुके, सानूं मारन वाले मुक गए पर असी ना मुके। जिहड़ा गुरु ते गुरु दे खालसे नूं मुकाण वाला आया आप ते मर मुक गए, पर मेरे सतगुरु दा खालसा ना मुकिया ते ना खालसा कदे मुकेगा, क्योंकि मनु साडी दातरी, असी मनु दे सोए, ए मनु ज्यों ज्यों सानू वरदा असी दून सवाए होए। मेरे नौजवान वीर बैठे हो, अज असी अपने आप नू धन बाबा अजीत सिंह साहब दे वारस कहने हैं, पर मैनू लगता बड़े विरले जानते होंगे कि धन बाबा अजीत सिंह साहब ने 17.5 साल की उम्र के विच विच कुल 4 जंग लड़े ने। पहला जंग बसी के पठान नाल होया, दूजा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दियां 14 जंगा दे विचों 7वां जंग, ते खालसा साजने तो बाद आनंदपुर की धरती का पहला जंग जिहड़ा अदीना बेग ते पेंदे खां नाल होया। तीजा सरसा के कंडे ते होया। याद रखियो परिवारां वाले बैठे हो, पुत्रां वाले बैठे हो, है कोई दुनिया ते हो जा बाप जिहड़ा येरा होवे ऐडा के परिवार खेरू खेरू हो गया, पर की कहिंदा पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा कनेरा। आ घर दा एक जी अखियों ओला हो जावे ना, कल्ला घर नहीं पूरा संसार सुना सुना जापदे। जे अज दे समय अंदर आपा वेख लईए एक मकान साडे कोल हैगा, ओदी हालत जड़ी ओ ज्यादा वधिया नहीं, ते असी उहनूं ढाह के नवां तैयार करदे आ, ते उह जापदा जिवें जीरो तो फिर प्यारे खालसा जी उपर तक पहुंचना होवे, इह हकीकत है। पर हस दी वस दी आनंदां दी पुरीके दे करके छड्डी साडी खातर, इह सच्चाई है ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की बात कहूँ मैं जब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। सारा कुछ साडियां खुशियां खातर छड्डिया, आंदे जदों सरसा ते कंडे ते परिवार विछोड़ा पिया ना जोड़ा।